Students, today we are starting with our class, that is fluid friction. So what is fluid friction? उसके बाद हम लोग देखेंगे what are the factors affecting viscosity, temperature gradient क्या है, Newton's law, viscosity और quiz. तो सबसे पहले देखो fluid friction. Fluid friction का मतलब क्या है कि कोई भी liquid जो रहता है वो उसकी speed मतलब कितना fast वो आएगा वो किसके ऊपर depend होगा, उसके थिकनेस के ऊपर और उसके फ्रिक्शन के ऊपर. तो लिक्विड की जो थिकनेस रहती है उसके वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है. इसके लिए लिक्विड देखो ये फास्ट नहीं आ पाता. अभी आप देखोगे अगर पानी रहता तो थोड़ा फास्ट आ गया, तो क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है. ये जो लिक्विड है ये गाढ़ा है तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो देखो ये स्लो आ रहा है. अगर यही आप लिक्विड को पूरा खाली करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा. अगर इस लिक्विड को मान लो आपको दूसरे वेसल में भरना है बिना गिराए तो भी आपको टाइम जाएगा, क्योंकि लिक्विड बहुत स्लोली निकलेगा. तो लिक्विड की जो फ्रिक्शन है इसको कहा जाता है विस्कोसिटी. अब इसी लिक्विड के अंदर आप कोई मान लो अगर कोई थिक लिक्विड है और उसके अंदर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो तो वो स्लो चलेगा. क्यों? क्योंकि लिक्विड उसके मोशन को अपोज करेगा. जैसे मान लो अभी हम लोग चल रहे हैं तो रास्ते पर अगर पानी भरा हुआ है तो हम लोग फास्ट नहीं चल पाते. क्यों? क्योंकि लिक्विड हमारे मोशन को अपोज करता है. खाली जगह रहते तो कैसे हम फास्ट चल पाते? तो अगर लिक्विड से भरा हुआ है तो लिक्विड हमको फास्ट चलने नहीं देता है. ये जो लिक्विड की जो फ्रिक्शन है इसको कहा जाता है विस्कोसिटी. तो कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में जाती है तो उसके मोशन को वो रोकता है, फिर लिक्विड खुद से भी इजीली नहीं फ्लो होता है. ये सब चीज़ें जो फ्लूड फ्रिक्शन है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी. ये किसके वजह से आता है? लिक्विड के जाड़ापन के वजह से आता है, यानी कि लिक्विड के थिकनेस और लिक्विड थिकनेस के वजह से आता है. इसको कहा जाता है विस्कोसिटी. तो फ्लूड फ्रिक्शन को कहा जाता है विस्कोसिटी. तो मैं अगर बोलूँगा कि इस लिक्विड को मुझे फास्ट फ्लो करना है, यही लिक्विड बिना चेंज किए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसको गर्म करना पड़ेगा. तो जितना मैं गर्म करूँगा, जितनी उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी तो उतनी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मान लो अगर आपने एक बहुत बड़ा ग्लास का वेसल लिया है और उसके अंदर आप डाल रहे हो शुगर वाटर, तो वो शुगर वाटर जाड़ा रहता है, तो उसके अंदर आप छोटा बॉल बेरिंग डाल रहे हो तो वो स्लो चलेगा. लेकिन वही शुगर वाटर को आप गर्म करोगे तो वो पतला हो जाएगा. जब वो पतला हो जाएगा तो उसके अंदर बॉल बेरिंग फास्ट चलने लगेगा. क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी. तो विस्कोसिटी इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर को. मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी. तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब आप जानते हो अगर ये समर टाइम है तो इसमें बहुत गर्म रहता है, तो अगर एक बॉटल्स में हमारी हनी है और उसको हमको दूसरे बॉटल में डालना है तो हम इजीली उसको डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी हनी गर्म रहेगी, पतला हो गया रहेगा, तो वो इजीली फास्ट फ्लो हो जाएगा. तो जितना लिक्विड गर्म रहेगा उतनी उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी. तो अगर आप एक बड़ा वेसल लेते हो उसके अंदर ग्लिसरीन रहते हो, जिस ग्लिसरीन मतलब शुगर का वाटर, तो वो जाड़ा रहता है और उसके अंदर आप बॉल बेरिंग डालोगे छोटा वाला तो वो स्लो चलेगा. लेकिन वही ग्लिसरीन के यानी कि शुगर वाटर को आपने गर्म कर दिया तो वो पतला हो जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से वो फास्ट चलेगा. अभी तो वो सिंपल है, मतलब आपको पेन के अंदर पेन बॉल पेन रहता है तो बॉल पेन के अंदर रिफिल रहती है, तो उसकी इंक रहती है, इंक कितनी फास्ट जा रही है नीचे यानी कितनी फास्ट बाहर आ रही है वो उसके विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर इंक पतला रहेगा, अगर इंक बहुत पतला रहेगा तो वो फास्ट निकलेगा, तो जल्दी रिफिल ख़त्म हो जाएगी. और हमारा हम लोग जब लिखने जाएंगे तो बहुत डार्क भी लिखेगा. लेकिन अगर लिक्विड पेन की इंक अगर वो जाड़ी रहेगी तो इसका मतलब क्या है? इंक बाहर नहीं आएगा फास्ट, तो इसका मतलब पेन बहुत लाइट निकलेगा और वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो रिफिल जल्दी ख़त्म नहीं होगी. तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगी उतना वो लिक्विड पतला रहता है, उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है. तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और दूसरे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप इम्प्योरिटी डालोगे, मान लो अभी शुगर वाटर रहता है वो जाड़ा रहता है, तो उसके अंदर और अगर आप शक्कर मिलाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एडल्ट्रेशन. मतलब आप जितनी इम्प्योरिटी बढ़ाओगे, जैसे कि आप वाटर के अंदर शुगर डाल रहे हो और शुगर सॉल्युबल है, जितना आप उसके अंदर शुगर डालोगे जितना सॉल्युबल रहेगा तो उतना वो उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा, उतनी उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी.
विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो कोई भी आप लिक्विड लोगे तो वो विस्कस रहता है, उसके अंदर विस्कोसिटी रहती है, ठीक है। आइडियल लिक्विड मतलब क्या है? विदाउट विस्कोसिटी। अभी देखो ये हमारी लिक्विड है, तो विस्कोसिटी के वजह से वो क्या हो रहा है? ये देखो विस्कोसिटी के वजह से ये लिक्विड जो हो रहा है वो एक लेयर बन के आ रहा है। आप अगर ये लिक्विड देखोगे तो विस्कोसिटी के वजह से ये क्या हो रहा है? ये लेयर बन के आ रहा होगा। ये देखो ये लिक्विड जो है लेयर्स बन के आ रहा है। तो जो लेयर ग्राउंड ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, ऊपर की लेयर्स की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, उसकी ऊपर की लेयर जो रहेगी उसकी वेलोसिटी और ज्यादा रहेगी। तो अगर ग्राउंड में पानी फ्लो हो रहा है तो वो लेयर की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी है। अगर आइडियल लिक्विड होता तो लिक्विड लेयर की तरह नहीं फ्लो होता, पूरा लिक्विड एक साथ एक ही वेलोसिटी में आता। अगर आप पाइप देखोगे तो पाइप के अंदर अगर आप पानी फ्लो कर रहे हो और अगर आइडियल लिक्विड है तो पूरा पानी जो रहता है एक साथ ऐसे आ गया होता। लेकिन विस्कोसिटी के कारण ही क्या हो रहा है? लिक्विड लेयर बन के आ रहा है। तो जो लेयर पानी यानी कि जो पानी है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, ऊपर की लेयर्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर हम एक पाइप लेंगे तो पाइप के कांटेक्ट में जो लेयर रहता है उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है और उसके आगे की लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, उसके ऊपर के लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा रहेगी, और बीच की क्या रहेगी? सबसे मैक्सिमम रहेगी। इस तरह से पाइप के अंदर लिक्विड कैसे मिलता है? सिलिंड्रिकल लेयर्स मिलता है। तो लिक्विड लेयर की तरह क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो आप देखोगे कि ऐसे टाइम पे मैं क्या निकालूंगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कोई भी आप दो लेयर ले लो, उनका डिफरेंस ऑफ क्या निकालो? वेलोसिटी। दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो और डिवाइड किससे करो? दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे आप डिवाइड करो, तो उससे आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसकी यूनिट क्या रहेगी? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस की मीटर है तो उसकी यूनिट क्या रहेगी? 1/सेकेंड। तो आज के क्लास में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लिक्विड फ्रिक्शन जो है उसको कहा जाता है विस्कोसिटी। तो लिक्विड के थिकनेस की वजह से क्या होता है? लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी आती है तो वो स्लो चलता है। अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो उसको वेसल के अंदर भर रहे हो तो उसके अंदर कोई अगर आपने बॉल बेयरिंग डाला हुआ है तो वो स्लो चलेगा। क्यों स्लो चलेगा? क्योंकि ये लिक्विड आपकी विस्कोसिटी दे रही है, फ्रिक्शन दे रहा है। अगर इस लिक्विड को आप गर्म करोगे और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये बॉल बेयरिंग क्या होगा? फास्ट चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड आपका पतला होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो विस्कोसिटी देखिए यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? टेम्परेचर को है। अब मैं विस्कोसिटी को सिंबल दे रहा हूँ यहाँ पर ईटा। ईटा का मतलब क्या है? ये डिनोट कर रहा है विस्कोसिटी। जितनी टेम्परेचर बढ़ेगी उतनी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक वेसल के अंदर आपने लिक्विड डाला हुआ है और उसके अंदर आप एक बॉल बेयरिंग को डाल रहे हो, तो जैसे जैसे आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो पतला होते जाएगा, ये बॉल बेयरिंग क्या होगा? आपका फास्ट चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम हो गई रही। फिर अगर आप लिक्विड के अंदर कोई इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, अगर आप कोई लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज डाल रहे हो और वो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है, डिजोल्व हो रहा है, इस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितनी आप इम्प्योरिटी डालोगे तो उतनी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मैंने बताया विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, लिक्विड आपका इस तरह से लेयर बन के आता है। तो अगर ग्राउंड में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इस तरह से ऐसे रेक्टेंगुलर शीट्स बन के आएगा। अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो इस तरह से सिलिंड्रिकल लेयर्स बन के आएगा। तो जो लेयर पाइप के कॉन्टेक्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, उसके आगे के लेयर की वेलोसिटी और रहेगी, उसके आगे की और रहेगी, और बीच की लेयर जो रहेगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। और ग्राउंड में ऐसे थिन शीट्स बन के आएगा। सबसे ऊपर की लेयर जो रहेगी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, उसके नीचे कम रहेगी और कम रहेगी। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और पाइप में सिलिंड्रिकल लेयर्स रहेंगे तो लेयर बाय लेयर वेलोसिटी चेंज हो रही है। कोई भी दो आप लेयर लो, इनका वेलोसिटी डिफरेंस निकालो, डिवाइड करो डिस्टेंस से दोनों लेयर के बीच में, आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर आपने दो लेयर लिया हुआ है, इनका डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी निकाला है, तो
और डिवाइड किया डिस्टेंस से तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करना है, लिक्विड कैसे फ्लो हो रहा है लेयर्स की तरह। तो अगर आपको दो लेयर दिया गया है, अगर आपको दो लेयर दिया गया है, मान लो पानी लेयर की तरह फ्लो हो रहा है, ऊपर का लेयर जो रहता है उसकी स्पीड ज़्यादा है, नीचे का लेयर है उसकी स्पीड कभी भी कम रहती है, तो दोनों का डिफरेंस वेलोसिटी, यानी कि देखो ये लेयर ज़्यादा फ्लो, ज़्यादा स्पीड से फ्लो हो रहा है, कितने ज़्यादा से डेल्टा भी, और ये लेयर आपका कम स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो इनका डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी कितना है, 0.2 है। तो उसको किससे डिवाइड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, वो दिया गया है 0.01, आपका आंसर कितना आएगा, 20%। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विड जो है वो लेयर की तरह क्यों फ्लो होता है। ये देखो, अगर ऊपर का लेयर, लेयर्स को हम लोग ऐसे रेक्टेंगुलर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो ऊपर के लेयर की स्पीड ज़्यादा है, नीचे की लेयर की स्पीड कम है, ये ऊपर का लेयर क्या करता है, नीचे वाले लेयर की क्या करता है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसके लिए उसको आगे से ऐसा फोर्स देता है, और ये लेयर क्या करता है, ऊपर वाले लेयर की स्पीड कम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे पीछे से फोर्स लगाता है, फिर इसके ऊपर लेयर रहेगा वो इसको आगे से फोर्स देगा, तो दोनों फोर्स बैलेंस रहते हैं, इसके लिए हर लेयर क्या होता है, एक ही स्पीड से चलता है। ये जो विस्कस फोर्स लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो कुछ भी आपकी लिक्विड की विस्कोसिटी रहेगी, जो कुछ भी आपका ये जो लेयर है उसका एरिया रहेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है, दोनों लेयर्स का डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इससे क्या होगा, हमको ये विस्कस फोर्स मिल जाएगा, तो इसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फिर मैं आपको समझाता हूँ, पानी देखो विस्कोसिटी के कारण, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है, लेयर बन के चलता है, लेयर बन के चलेगा, नहीं तो अगर विस्कोसिटी नहीं रहती, विस्कस फोर्स नहीं रहती, तो पूरा पानी एक साथ आ गया होता, लेकिन विस्कोसिटी के कारण क्या हो रहा है, पानी ऐसे लेयर बन के चलता है, तो नीचे का लेयर का स्पीड कम रहता है। ये देखो, अगर हम लोग नीचे के लेयर को स्पीड को वी लेते हैं, तो ऊपर का लेयर का स्पीड ज़्यादा रहता है, तो वी प्लस डेल्टा भी ले सकते हैं, तो नीचे का लेयर क्या करता है, इसकी स्पीड कम करने के लिए ऐसे पीछे से फोर्स लगाता है, और ऊपर का लेयर क्या करता है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसको ऐसे आगे से फोर्स लगाएगा, फिर इसके ऊपर लेयर रहेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, इससे ये इसको आगे से फोर्स लगाएगा, तो हर लेयर के ऊपर जीरो फोर्स है, इसके लिए हर लेयर एक ही वेलोसिटी से लगता है, एक ही वेलोसिटी से आगे चलता है। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द लेयर, और डी वी अपॉन डी एक्स मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला यूज करने से हम ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, विस्कोसिटी, तो लिक्विड के थिकनेस के वजह से क्या होता है, लिक्विड फास्ट नहीं फ्लो होता है, तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, और ये विस्कोसिटी को कैसे कम किया जाता है, जैसे हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, तो ये लिक्विड फास्ट फास्ट फ्लो होने लगेगा। तो कोई भी लिक्विड हमको विस्कोसिटी देता है, जैसे सिरप देता है, ऑयल देता है, और वाटर भी देता है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी कम रहती है, हनी देता है, अगर इन लिक्विड्स को हम गर्म करेंगे तो ये फास्ट चलने लगेगा, मतलब जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उतनी उसकी विस्कोसिटी देखो कम होती जाएगी। फिर अगर इसमें आप मिलावट करोगे, इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे जो सॉल्यूबल रहेगा, तो ये जाड़ा हो जाएगा, तो फिर ये स्लो चलने लगेगा, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर विस्कोसिटी है तो लिक्विड क्या होता है, लेयर की तरह बनता है। अगर पाइप में देखोगे तो सिलेंड्रिकल लेयर मिलेगा, ग्राउंड में देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर मिलेगा। तो अगर ये लेयर्स की तरह बन रहा है तो हम उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, कोई भी आप दो लेयर लो, उनका डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी लो, वो न्यूमरेटर में रखो, दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखो, तो ये वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, मीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या आएगा, 1/सेकेंड आएगा। तो अगर लिक्विड लेयर्स की तरफ बन रहा है तो हम उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूज आप देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, अगर दो लेयर के बीच में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी दी गई है 0.2, दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस दिया गया है 0.01, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट 20/सेकेंड।
अगर लिक्विड लेयर की तरफ फ्लो हो रहा है तो वो लिक्विड की तरह क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? जो कुछ लिक्विड की विस्कोसिटी रहेगी वो मल्टीप्लाई किससे करना है? एरिया ऑफ द लेयर, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट से। तो अगर लिक्विड लेयर की तरफ बन रहा है तो उसके बीच में जो विस्कस फोर्स है हम निकाल सकते हैं कैसे? लिक्विड की विस्कोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? एरिया ऑफ द लेयर से और वेलोसिटी ग्रेडियंट से। तो हमको ये विस्कस फोर्स मिलेगा, तो वो मेजर किस में किया जाता है? न्यूटन में। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम शेयरिंग माई क्विज।